And this is exactly जो अभी हम में में करने जा रहे हैं The idea of basic case -taking किस तरह करेंडम प्लांट किंगरल किंग तरह समझे ताकि हमारा रेमेडीज इजी हो जाए ताकि हमारा मर्टी रेमेडी का सुरित हो जाए सौ सौ पेजिस का एंसर लिखोग पक्का है लिख कर देता हूं आग बंद करके पास फॉर श्योर बिकॉज इंस्टेड ऑफ बाय हार्टिंग ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस कौन सा है याद करो रेड टिट टंग कौन सा याद करो मैक टंग कौन सा याद करो व्हाइट टंग कौन सा याद करो क्लीन टंग किसका याद करो जरूर नहीं है याद करना यदि अगर आप उसका नस पहचान लिया कि निसर्ग से ये कहां से आ रहा है तो आपको पूरी तरह से उसकी आइडिया आएगी सो किंगडम अंडरस्टैंडिंग है द आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल द मायाजम्स कब देखना है कहां देखना है किस तरीके से देखना है मायाजम एक्चुअली होता क्या है और the art of case -taking, कैसे पूछना किस तरह पूछना कहां रुकना जरा सा होना ये सभी चीजों का सात दिन तैयार कर देंगे पूरा ताकि आप कहीं पर भी इस चीज को अपनाओ फेलियर रेट्स काफी कम होंगे बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं स्ट्रेस में रहने की कोई जरूरत नहीं है ना ऑल जॉय इज ओनली वेन द जॉय इज ओनली वेन वेन वी ट्रूली अप्लाई इट इन एंड वी प्रैक्टिस होम्योपैथी हमें लगता है कि कोई भी आर एमओशिप करो ये करो वो करो तुरंत पैसा आता है लेकिन मेरे को एक ही चीज बताओ दोस्तों खाली एक ही चीज बन सकते कितने सालों में अपना प्रगति होगा उस फील्ड के अंदर उस लाइन के अंदर और हम कर क्या रहे हम डिग्री लेके कारकुनी काम कर हम एक्चुअली कोई क्रिएटिविटी काम नहीं कर भले ही हम अगर होम्योपैथी चालू करें और साल भर के लिए हम धक्के खा रहे समाधान इस बात का है कि कम से कम मैं चलने उस राह पे चलने तो सीख रहा पर हर कोई व्यक्ति गिरेगा उसमें गिरकर उठेगा मैं खुद भी गया हूं उसमें से ऐसे नहीं कि आज जिस जिधर पे होगा उधर पे पहले से था नहीं तो ये चीज क्यों बताना चाहता हूं क्योंकि काफी लोग उनको लगता है कि बाबा और मैं दोषी नहीं ठहराता को क्योंकि दे नॉट सीन कि कि लगता है अब इसमें सेटल कब होगा कितना समय लगेगा अरे भैया हर चीज कोई भी बिजनेस डालो या कोई भी इवन चाय का टपरी डालो उसका पूरी तरह से धंधा बैठने तलाक उसको थो थोड़ा समय तो जाएगा ही तो हम कौन से बड़ा पंख लेके आए कि बैठे जगह से उठने को चालू करें नहीं होता ऐसा वेटिंग पीरियड हर फील्ड में है मानकर चलो ये लेकिन आगे का पूरा लाइफ एक ही चीज कर रहे हो सवेरे जा रहे हो उधर पे ड्यूटी पे ब्लड प्रेशर ले रहे हो चार्ट पे लिख रहे हो आठ घंटा ड्यूटी किए घर पे आ गए मतलब नहीं है एक थोड़ा समय के बाद आपको कंटा लाएगा और उसके बाद आप मजबूरी से करने लगोगे और उसमें से भी अगर दो चार टक्कों को लगा कि वह वा से निकल के होम्योपैथी आऊंगा लेकिन आपने उतना समय गवाया कि आपको फिर से एबीसीडी शुरू करना पड़ेगा उससे अच्छा आज ही से शुरू करो मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि फ्रेंकली आज के तारीख में बोल रहा हूं ऑल ओवर साउथ जहां जहां हमने ये चालू किया है यू विल नॉट बिलीव सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट रिजल्ट है दैट पीपल आर डायरेक्टली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी इन लाइफ So, ये करने का पीछे यही राज है कि प्लीज चूज द राइट पाथ राइट फ्रॉम डे वन एंड डू नॉट वेस्ट योर लाइफ एंड करियर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी गोइंग शॉर्टकट नहीं होता जिंदगी में वेटिंग पीरियड फॉर श्योर साल भर इससे ज़्यादा नहीं लेकिन यू विल बी ट्रूली प्रैक्टिसिंग एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर नॉट एज सिंपली डूइंग एन आर एमोशन वो मन में से निकाल दो आई डो नॉट वॉन्ट टू सी ऑल डूंग समथिंग विच इज जैसे कहीं पर तो है कोई तो हॉस्पिटल में काम कर रहा है कोई तो नर्सिंग होम में नहीं मन बहुत दुखाएगा दैट्स वाई टूक दिसन मिनट टाइम विथ दिस इंटेंशन चूज द राइट पाथ और अपने बलबूते पे खड़े हो इसका जो आपको आनंद मिलेगा वो आर एमोशिप करके नहीं मिलेगा